पीएचपीएसएन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग उपराष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में हम लोगों ने संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के संदर्भ में जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी कार्य शक्तियाँ आपातकालीन स्थिति है, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ था और इस पर आधारित विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को सॉल्व किया था। तो अब हम इसी से अगले क्रम पे बढ़ते हुए उपराष्ट्रपति को देखेंगे और उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो उपराष्ट्रपति के टॉपिक पर हम लोगों ने चर्चा करने के लिए इन बिंदुओं को निर्धारित किया है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे उपराष्ट्रपति के संदर्भ में जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएंगी। तो उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत जिस तरीके से राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है, उसी तरीके से राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति पद का भी जो है प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद जो है राष्ट्र अमेरिका के व्यवस्था से लिया गया पद है। भारत में अगर देखा जाए तो यह राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है और विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करता है। तो इस तरीके से भाग 5 के अंतर्गत इसका प्रावधान अनुच्छेद जो है 63 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा और यह व्यवस्था संविधान के भाग 5 में कहा गया है, जिस पद का वर्णन अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था से लिया गया है और यह भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। आधार पर हम लोग देखेंगे कि जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि भारत में जो राष्ट्रपति है वो देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। चूंकि यह एक पद सोपानिक व्यवस्था नहीं है, यहां पर यह समझना है कि पद सोपानिक व्यवस्था का तात्पर्य होता है, पद सोपान यह व्यवस्था होती है, यह व्यवस्था है, नीचे सबसे अधीनस्थ अधिकारी होता है, इसके बाद वरिष्ठ, इसके बाद वरिष्ठ, इसके बाद वरिष्ठ, इसके बाद वरिष्ठ, यहां पर सबसे शीर्ष स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी होता है और यह व्यवस्था होता है पद सोपानिक व्यवस्था कहलाता है। जब हम लोक प्रशासन पढ़ते हैं तो उसमें जो है संगठन का सिद्धांत जब पढ़ते हैं तो उसमें पद सोपानिक व्यवस्था की बात कही गई है, पद सोपान इसमें होता है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति पद के संदर्भ में कोई पद सोपानिक व्यवस्था नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व एकमात्र राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ऐसी परिस्थिति में यदि कोई विशेष बात हो जाए तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है कहीं आकस्मिक निधन हो जाए या कहीं विशेष या लंबी छुट्टी पे चले जाए या किसी कारण से पद रिक्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में चूंकि राष्ट्रपति पूरे देश का एक संवैधानिक प्रमुख है, विभिन्न प्रकार के अधिनियमों पर, विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाओं पर बिना राष्ट्रपति की कोई वैधता नहीं प्राप्त होता है कार्यपालिका कार्यों को, तो ऐसी स्थिति में वहां पर उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति पद का निर्वहन किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा जो भी दायित्व निर्वहन किए जाते हैं उसी व्यवहार में क्रियान्वित किया जाता है ताकि किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त ना होने पाए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था में राष्ट्रपति के साथ साथ एक उपराष्ट्रपति के पद की भी व्यवस्था की गई है ताकि विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति पद के दायित्वों का निर्वहन किया जाना संभव हो सके। तो इस तरीके से ये आधार बनते हैं। अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, निर्वाचन और कार्यकाल। निर्वाचन की व्यवस्था आर्टिकल 66 के अंतर्गत की गई है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, उसी तरीके से जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन भी एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता था। लेकिन यहां पर यह ध्यान में रखना है कि निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। यहां पर एक अधिक भाग ले रहे हैं जो मनोनीत होते हैं, ये मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते थे क्योंकि जिसे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया है वह स्वयं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले, यह व्यवहारिक नहीं है। इसीलिए वहां पर मनोनीत सदस्यों को निर्वाचक मंडल से बाहर किया जाता था। लेकिन
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन व्यवस्था में उन्हें भी शामिल किया गया है। और एक जो वर्ग है वो राज्यों के विधानसभा के सदस्य को यहाँ से बाहर किया गया है, अर्थात मनोनीत सदस्यों को अंदर किया गया है और राज्यों के विधानसभा के सदस्यों को बाहर किया गया है, अर्थात राज्यों के विधानसभा के सदस्य इसमें यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में नहीं होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के जो है सदस्य इसमें भाग लेते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों ही सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ये तो निर्वाचन हो गया। एक निर्वाचन की पद्धति में देखा जाए तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यही व्यवस्था, यही जो है प्रणाली राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी अपनाई जाती थी, अर्थात इसमें उम्मीदवार को विजयी होने के लिए या सफल होने के लिए एक निश्चित मत प्राप्त करना होता है और वो निश्चित मत होता है समस्त वैध पड़े हुए वैध मतों के 50% प्लस 1। अगर कहीं पर 100 मतदाता वोट कर रहे हैं तो उसमें 51 लोगों को जीतने के लिए 51 लोगों की जरूरत होती है। तो इस तरीके से निर्वाचक मंडल और निर्वाचन की पद्धति इसमें स्पष्ट होता है। कार्यकाल अगर देखा जाए तो 5 वर्ष इनका भी कार्यकाल होता है। कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष ही होता है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यद्यपि इसके पूर्व ये राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्याग पत्र भी दे देते हैं और जब तक अगला कोई उम्मीदवार विजयी होकर उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं आता तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। और इनके पद समाप्ति की भी व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा के द्वारा यदि कोई संकल्प लाया जाता है और उसे विशेष बहुमत के द्वारा पारित करके लोकसभा को भेजा जाता है तो लोकसभा के द्वारा विशेष बहुमत से पारित किए गए प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर करते ही इनका पद समाप्त हो जाता है। यद्यपि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी प्रकार के आधार की व्यवस्था नहीं की गई है, जैसे विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों के लिए साबित कदाचारी एवं अक्षमता इत्यादि आधारों का वर्णन किया गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि उन आधारों को बताया जाए। खैर, यदि संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार इनका आचरण और उनकी दायित्व और भूमिका नहीं होती है तो राज्यसभा में इनके पद को समाप्त करने के लिए संकल्प लाया जा सकता है। और ध्यान रहे यह संकल्प पहली बार केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। शर्तें और योग्यता में अगर देखा जाए तो इनके लिए राष्ट्रपति के लिए जो व्यवस्थाएं की गई राष्ट्रपति पद के लिए उसमें 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन है। एक तो यह कि इन्हें राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए और दूसरे राष्ट्रपति के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक को होना चाहिए था, लेकिन यहां पर 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक के होने की आवश्यकता यहां पर व्यक्त की गई है और दूसरा कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उनमें होनी चाहिए। तो इस तरीके से इनके योग्यता और शर्तों में ये प्रावधान किया गया है जो कि राष्ट्रपति से 2 मामलों में भिन्न है। और पद समाप्ति के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब हम आते हैं कार्यों शक्तियों के संदर्भ में। उपराष्ट्रपति का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है व्यवहारिक स्तर पर सामान्य स्थिति में कि वो राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति होते हैं। और ध्यान रहे कि उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में ही वेतन प्राप्त होता है। ये राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं और इस सभापति के रूप में वो लोकसभा के अध्यक्ष की तरह से ही राज्यसभा में कार्य करते हैं। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा में कार्य करते हैं उसी तरीके से राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति राज्यसभा में दायित्वों का निर्वहन करते हैं। विभिन्न प्रकार के सत्र के संचालन के दौरान, कानून पर बहस करने के दौरान वो सभापतित्व करते हैं और सदन के सामान्य रूप से संचालन करने के लिए व्यवस्था और प्रावधान करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो
तो इनकी सामान्य स्थिति में ये भूमिका होती है, सामान्य स्थिति में ये भूमिका होती है, और विशेष स्थिति में ये राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। जैसे वो ना 1969 ईस्वी में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, तो उस समय बीबी गिरी ये उपराष्ट्रपति थे और उनके द्वारा राष्ट्रपति के पद का निर्वहन किया गया। खैर चुनाव के दौरान 1979 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो बीबी गिरी के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया, और इसीलिए एम हिदायतुल्ला उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। तो ये सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा गया कि वो कौन से न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति के रूप में अपनी दायित्व का निर्वहन किए हैं, तो ये हिदायतुल्ला के द्वारा ये किया गया था। तो इस तरीके से राज्य सभा के सभापति के रूप में और दूसरा राष्ट्रपति के दायित्व के निर्वहन के संदर्भ में राष्ट्रपति की ये दो भूमिका होती है। दूसरा यह है कि यदि कहीं पर भी राष्ट्रपति पद को हटा दिया जाए या राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा उनका पद समाप्त कर दिया जाए, तो उपराष्ट्रपति के द्वारा उनके पद और दायित्व का निर्वहन केवल 6 माह के लिए किया जाएगा, 6 माह के लिए किया जाएगा, और 6 माह के अंतर्गत ही राष्ट्रपति पद का चुनाव किया जाएगा, निर्वाचन हो जाएगा। लेकिन अमेरिका में जो है पूरे कार्यकाल के लिए, अमेरिका की ये व्यवस्था है कि वहाँ पर पूरे कार्यकाल के लिए उनके द्वारा दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। और इसी तरीके से एक और बात है कि यदि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के पद को समाप्त किया जाए या उनको उनके पद से निष्कासित कर दिया जाए, तो उनके द्वारा अगर किसी भी पॉइंट पर निष्कासित किया जाता है तो इनके पीछे के जो कार्य होंगे वो कार्य वैध होंगे, उसे इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जाता जाएगा कि वह इस पद पर निष्कासित हो कर दिए गए हैं या उनके पद को समाप्त कर दिया गया है। इसी तरीके की व्यवस्था निर्वाचन के अवैध होने की स्थिति में है। और यह भी ध्यान रहे कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो वह केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तो ये व्यवस्था भी राष्ट्रपति के ही जैसा है, और अगर वो अवैध हो जाता है, इनका चुनाव अवैध हो जाता है, तो उस स्थिति में उनके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन, उनके निर्वाचन की पद्धति, उनकी योग्यता शर्तें, कार्यकाल, उनके पद की समाप्ति, उनके कार्य भूमिका दायित्व और उस पद के महत्व, जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद क्यों बनाया गया है, तो आपको यही जवाब देना होगा। ये सवाल इंटरव्यू में भी कई बार पूछे जा गए हैं और पूछे जा सकते हैं, तो वहां पर यही बनाना है कि चूंकि राष्ट्रपति पूरे देश का एक संवैधानिक प्रधान होते हैं, अगर विशेष परिस्थिति कोई आती है तो उनके पद को रिक्त नहीं होना चाहिए, ऐसी स्थिति में एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उपराष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है जो विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करते हैं और सामान्य परिस्थिति में वो राज्यसभा का सभापतित्व भी करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के बारे में जो एक संवैधानिक प्रावधान और व्यवस्थाएं हैं, उनके जो कर्तव्य और शक्तियां हैं, और विशेष प्रकार के परिस्थिति में उनके जो दायित्व और भूमिका हो सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों को एक बेहतर समझ विकसित हो गई होगी। और पुनः इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को भी देखेंगे, जिससे आपको एक बहुआयामी समझ विकसित होगा। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, पुनः हम अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।